खरगोन जिले में विश्व आदर्श पार्टी नामक नए राजनीतिक दल की घोषणा खरगोन शहर में एक निजी कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारियों ने की। पार्टी ने समूचे मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारे, जिसके चलते खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र से जानी करण को अपना प्रत्याशी घोषित किया। वहीं खंडवा ब्रहानपुर सीट के लिए राजेश कुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मेरे लक्ष्य अच्छुक और अवैध हैं, जो उनको मैं ना मतलब जनता के बीच में ला रहा हूँ। मेरे लक्ष्य हैं आदिवासी फिल्म इंडस्ट्री मध्य प्रदेश, दूसरा भारतीय किसान बैंक जो केवल किसानों के लिए है, तीसरा है कर्मचारी और अधिकारियों को मांगों को पूरा करना, रोस्टर प्रणाली है ना, जिसमें उनकी है ना पदोन्नति है और जो ना प्रमोशन वगैरह इसके पदोन्नति है, जो रिक्त पदों को भरती है इसके अलावा, और हम बेरोजगार को रोजगार देने के लिए पहली प्राथमिकता होगी, हम इसको पहला मुद्दा रख के जितने भी पाँचवीं से लेकर कॉलेज तक के बेरोजगार है खरगोन बड़वानी जिले के जितने भी बेरोजगार लोग, उनको पहले उनको रोजगार दे लाएंगे, या वो चाहे तो लोन उठा के ना बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के लिए भी हम उनको ना पूरी प्राथमिकता देंगे और उनको पहले ये काम मुहैया करवाएंगे। और भू अधिग्रहण के मामले में जो है ना, जो हम देख रहे हैं देश में ये जो हाहाकार मचा हुआ विस्थापन का और जो पलायन का, ये मुद्दा हमारी जेएस की ओर से है। विक्रम अखिलिया जी हैं जो जेएस के संस्थापक ओल्ड, उनकी मांगे हमारे पास आई है, हम उनके मुद्दों को बिल्कुल साकार करेंगे, उनकी मांगों को हम पूरा करेंगे है ना। जो मामले हैं आदिवासियों के जो जेलों में बंद है उनको हम पहले लाएंगे, उनको निकाल के जो है ना बेवजह से पुलिस के या मतलब कोई किसी के दबाव में कोई धारा लगाई या कैसे मतलब उनके ऊपर केस मुद्दे मतलब होने के बाद उनको जेल भेजा गया, उसके लिए हम एक वकील करेंगे, सरकारी वकील, जो उनकी मतलब जांचों के बाद अगर जो अगर वो है बेगुनाह है तो वो आ जाएगा बाहर, और उन गरीब परिवारों को मतलब ये वापस एक वो मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी आगे बढ़ने के लिए, जो अब अनाथ बन के रह रहे हैं है ना, जो मुखिया परिवार का मुखिया जेल में जाने से परिवार अनाथ जैसा लगता है। और वही बात है कि जो छोटे व्यापारी लोग हैं जो अपने कर्मचारी जैसे है ना, छोटी छोटी दुकान में जो दो कर्मचारी रखते हैं पांच कर्मचारी रखते हैं, उनको हम ऋण मुहैया करवाएंगे। जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री से, तो कौन से बड़े कलाकारों का आशीर्वाद है आपके ऊपर? मुझे तो ज़्यादातर है ना, मेरे तो फेवरेट है नाना पाटेकर जी और आमिर खान जी, मेरे है ना सर पे आशीर्वाद रखने वाले में पहले हैं कलाकार हैं, इसके बाद बच्चन साहब हैं जो मेरे महानायक हैं मेरे आदर्श हैं। फिल्म इंडस्ट्री से आप इधर राजनीति में कैसे आए? देखो, मुझे मध्य प्रदेश की जनता को मतलब इसकी ज़रूरत पड़ रही है, मुझे लगा कि मुझे यहाँ मेरी भूमिका मतलब यहाँ पे होना चाहिए, जहाँ मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश है और कर्मभूमि बम्बई है, तो मैंने 18 वर्ष बम्बई में दिए, तो बाकी समय जिंदगी के मध्य प्रदेश को दूँ, जहाँ मैं अपनी मातृभूमि का कर्जा